day one of the pamper routine that I'm doing. It's the morning time. So I'm going to start off by taking care of my facial hair. आप लोगों को पता है I have this condition called PCOD जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा facial hair आते थे. अब काफी reduce हो चुका है because I went for laser hair reduction treatment. 4 to 5 session के बाद ना जो इतने सारे यहाँ jawline के पास आते थे वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं. आई डू स्टिल गेट फेशियल हेयर बट अब मुझे पैचेस में आते हैं, स्पेशली यहाँ यहाँ पे और नेक एरिया पे आते हैं मुझे. आई हैव 1 सेशन लेफ्ट जो कि मुझे भोपाल जाके कंप्लीट करना पड़ेगा. आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट. सो या जब भोपाल जाऊंगी ना तो वो सेशन कंप्लीट कर दूंगी. सो वीक में 2 बार तो मैं वैसे भी शेव करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोना स्टार्ट अप बाय यूजिंग अ जेंटल क्लेंजर टू वॉश माय फेस. अब कभी भी ना डर्टी फेस में शेव मत करना. ऑलवेज स्टार्ट अप बाय वॉशिंग योर फेस एंड जेंटली मसाज योर स्किन. यू नो धीरे धीरे मैं जाती हूँ वॉशरूम में, मुंह धो के आती हूँ. आई विल बी राइट बैक. ओके आई एम बैक. फेस धो लिया मैंने. पैड ड्राई नहीं करूंगी. इसी गीले फेस पे मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ. ऑलवेज यूज फेस क्रीम, एलोवेरा जेल और टोनर. दिस इज गोना एक्ट एज अ लुब्रिकेंट. नेवर शेव ड्राई. आई यूज टू शेव ड्राई. सच अ बिग मिस्टेक आई यूज टू डू. यू मेक मिस्टेक एंड यू लर्न फ्रॉम इट. नेक्स्ट आई एम गोना बी यूजिंग माय मैग्नीफाइंग मिरर. मैं इसको ना अच्छे से क्लीन कर रही हूँ. इफ यू डोंट हैव अ मैग्नीफाइंग मिरर आई हाई रिकमेंड यू टू परचेज वन. इट रियली हेल्प्स टू गिव यू दैट क्लोज शेव. अच्छे से आप लोग देख सकते हो कहाँ शेव करना है. एंड नेक्स्ट आई एम गोना बी यूजिंग माय फेस रेजर. उसको मैं पहले सैनिटाइज कर रही हूँ. इट हैज सोप वाटर इन इट. उसमें मैं ऐसे स्वॉल कर लेती हूँ 2 बार. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट शेविंग. जहाँ जहाँ एक्ने है ना दैट एरिया आई विल नॉट टच. जहाँ फेशियल हेयर भी नहीं है दैट एरिया आई वोंट टच. ज़ूम्ड इन में तो कितना क्लियर ही मेरी स्किन की रियलिटी दिख रही है. ओके सो ये वाला एरिया वी विल कवर. मिरर हाथ में रखा है, रेजर. So holding the razor in an angle and I always like to go in the direction of the hair growth, specifically for the hair जो मेरे cheeks के आसपास है. आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे हैं पर वो thick hair है. और जब मैं neck के आसपास के बाल shave करूंगी ना, I'm gonna go in the opposite direction, that is नीचे से ऊपर. क्योंकि neck के आसपास जो बाल है ना उनका कोई particular direction ऐसा कुछ है नहीं. But हाँ यहाँ पे भी बाल thick है but छोटे छोटे से है. Most of the hair thickness was on the left side of my face and as I told you कहीं कहीं patches में मुझे hair है और left side ज्यादा था नहीं तो मैंने बस नेक के एरिया पे ही शेव किया. Another thing that I like to do is keep the shape of my eyebrows by removing the extra hair. So फिर से मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया और जो मेरे यूनिब्रो था उसको मैंने रिमूव किया और लेफ्ट साइड में थोड़े से बाल एक्स्ट्रा दिख रहे थे वो मैंने हटाया और फोरहेड के बाल को मैंने शेव किया. मैं आईब्रोज के आसपास के बाल को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग और शेविंग दोनों प्रिफर करती हूँ. बाय द वे आफ्टर शेविंग माई एंटायर फेस एंड माई आईब्रोज आई एम गोना जस्ट वॉश माई फेस विद रेगुलर वाटर. उसके बाद आई एम गोना आइस बाथ माई फेस. मेरे फ्रीजर में एक बोल में बर्फ हमेशा जमा रहता है, बस उसमें पानी ऐड कर दो. एंड आई एम गोना डिप माय फेस फॉर अ मिनट कपल ऑफ टाइम. ऐसा करने से क्या होगा, माय स्किन इज गोना काम डाउन और कोई भी रेजर कट बम या इन्फ्लेमेशन हुआ होगा रेजर की वजह से इस आइस बाथ इज गोना सूथ माय स्किन. सो डूइंग आइस थेरेपी फॉर माय स्किन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय स्किन केयर रूटीन. एंड लास्टली आई एम गोना अप्लाई अ सिंपल सा फेस मॉइस्चराइजर. इट्स सो इंपॉर्टेंट टू डू पोस्ट केयर एंड अप्लाई अ सीरम एंड अ मॉइस्चराइजर विच इज गोना रिपेयर योर स्किन. एंड विद दैट आई एम डन विद द शेविंग रूटीन. आई क्विकली चेंज. अच्छे कपड़े मैंने पहन लिए. डिड माई हेयर, वॉर माई ज्वेलरी. अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा लिप केयर रूटीन एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे जेल नेल्स करवाने के लिए. यू गाइज नो हाउ मच आई लव टू वेयर ये वाला कलर. दिस इज मॉफ पिंक कलर. दिस इज वन ऑफ माई रेगुलर गो टू नेल पेंट. एंड एवरी टाइम आई वेयर दिस आई गेट सो मेनी क्वेश्चन आस्क. एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट फेड अप विद दिस. ओके आई स्टिल लव इट. बट इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं. आई विल गो फॉर पर्ल नेल्स. फ्रेंच टिप पर्ल नेल्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे. टिप्स लाइक फ्रेंच टिप्स एंड उसके ऊपर पर्ल नेल्स. आई फील लाइक कि वो मेरे नेल्स पे काफ़ी सूट करेगा. एंड मेरे ना अभी नाखून भी काफ़ी बढ़ चुके हैं. सो आई डोंट वांट टू गो फॉर लाइक नेल एक्सटेंशन. और नेल एक्सटेंशन थोड़ा प्राइसी होता भी है और ज़्यादा समय भी लगता है. 2 से 3 घंटा लग जाता है. आई डोंट हैव इतना समय. ओके लिप केयर के लिए दिस इज व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग. दिस इज माई लैक्मे लिप लप रिजिम कॉम्बो. एवरी टाइम आई डू दिस रिजिम ना माई लिप्स फील्स लाइक बेबी स्किन सॉफ्ट जैसे हो जाते हैं. वो एकदम लग्जरियस फील दिलाता है ये लिप्स को. बहुत ही ईजी इसको करना. सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद लैक्मे लिप लप लिप स्क्रब. इट इज जेंटल ऑन द लिप्स. इट हेल्प्स टू एक्सफोलिएट एंड स्क्रब ऑफ द डेड स्किन ऑफ फ्रॉम माई लिप्स एंड प्रेप्स देम फॉर द नेक्स्ट स्टेप. यू गाइस नो हाउ मच आई सफर थ्रू चैप्ड एंड ड्राई लिप्स. इफ यू सफर थ्रू द सेम यू गॉट टू ट्राई दिस. इट इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लिप्स. नेक्स्ट आई एम गोना बी यूजिंग लैक्मे लिप लप लिप मास्क. आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट लाइक क्रेजी. इट सूट्स the lips and makes them soft and supple and hydrated. I love the formula. Both lip scrub and mask are enriched with hyaluronic acid, shea, cocoa butter, almond oil, which is good for the lips. It keeps them nourished and moisturized. I'm going to remove the excess lip balm using a tissue. And next, I'm going to be using Lakme Lip and Cheek Tint. It comes in 4 different shades. I'm going to be using deep red color. Applying it first all over my lips to give that flush of color. Going to be applying it on the cheeks. It blends beautifully. Cheeks pe bhi apply karungi. Bahut easily ye blend ho jata hai. Phir nose pe bhi maine isko apply kiya. And my lip regime is complete. Kitne
luscious, soft or pretty dikh rahe na lips. And this red tint really suits my skin tone. It's a lovely, fresh dikh na lip or cheek tint laga lo and you're good to go. And this regime is quite affordable as well. This is carefully curated by Lakme to give your lips that luxurious feel that it deserves. I freaking love this. If you're interested in these products, inka link aapko description box se mil jayega. Definitely go check it out. I'm all set. Let's go get our nails done. So, maine Mumbai ka apna favorite ride auto pakda aur chali gayi main apne gel nails karwane ke liye. Sabse pehle nail artist ne jo purana nail paint maine laga ke rakha aur jaise unhone remove kiya nails ki sari asliyat dikhai de rahi hai. Aapko mere nail bed kitne peele ho chuke. This is the residue of the nail paint that I have been using again and again on my nails and have been not really taking good care of my nails to be very very honest. Unhone nails ki length ko kata and then she pushed my cuticles and then she started filing the nail bed. Jaise file karna shuru kiya wo peelapan bhi dheere dheere hatta gaya. Mere nails ke tip ko bhi unhone shape diya. I went for a square shape and then she cut the cuticles. Maine unko zyada kaatne nahi bola because mere cuticles काफी ज्यादा सेंसिटिव है. उसके बाद उन्होंने बेस कोट अप्लाई किया. उसको क्योर करने के लिए मैंने यूवी लाइट में अपने नेल्स रखे और इसी बेस कोट के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया एक बहुत ही प्रिटी मॉवी पीची पिंक कलर का नेल पेंट. दिस इज गोना एक्ट एज अ बेस कलर फॉर दैट इरिडेसेंट पर्ल नेल्स दैट वी आर गोइंग फॉर एंड शी टोल्ड मी दैट वी हैव टू पिक अ लाइट कलर का शेड एंड देन आई वेंट फॉर अ प्रिटी बार्बी पिंक कलर का फ्रेंच टिप. बाय द वे हर नाखून के फ्रेंच टिप के लिए उन्होंने 100 rupees लिए हैं, जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, विच आई थॉट वॉज अ बिट प्राइसी बिकॉज भोपाल में फ्रेंच टिप का प्राइस कम है बट भोपाल में जेल नेल्स का प्राइस ज्यादा है. यहाँ पे ये वाले नेल आर्टिस्ट के पास 500 रुपए लगते हैं पूरे हाथों में रेगुलर जेल नेल पॉलिश करवाने के लिए. एंड देन शी एडेड पर्ल इरिडेसेंट डस्ट टू माय नेल्स. सो इसमें ना पिंकिश ह्यू आता है एंड दैट इज व्हाट आई वेंट फॉर. रेगुलर वाला भी करवाती तो वो भी अच्छा लगता बट आई फेल्ट लाइक कि इतना पिंक पिंक कर ही रही हूँ तो थोड़ा और पिंक इरिडेसेंट डस्ट भी एड कर. इसको एड करने के बाद जो भी एक्सेस था उन्होंने डस्ट ऑफ किया एंड देन शी एडेड टॉप कोट ऑन माई नेल्स एंड देन आई हैड टू क्योर इट. इसके बाद उन्होंने ना क्यूटिकल ऑयल भी अप्लाई किया था एंड दिस इज द फिनिश रिजल्ट. आई लव इट. ये सिर्फ रेगुलर लाइट में भी कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है. आई ऑल्सो फिल्म धूप में मेरे नेल्स की कैसे दिख रहे हैं वो. दिस काइंड ऑफ जेल नेल एंड कलर इज गोना लास्ट ऑन माय नेल्स फॉर 20 to 30 days. हेयर केयर के लिए सबसे पहले मैंने ये डिटैंगलिंग ब्रश यूज किया. यूज दैट फॉर द लेंथ ऑफ माय हेयर टू मेक श्योर देयर इज नो नॉट्स. फिर पूरे बालों को गीला करके अच्छे से रिमूव करूंगी एक्सेस वाटर फ्रॉम द लेंथ ऑफ माय हेयर एंड देन आई एम गोना यूज कंडीशनर. सो बेसिकली आई एम गोइंग फॉर अ डबल कंडीशनिंग मेथड. अगर आपके बहुत ज्यादा फ्रिजी और रफ एंड्स हैं यू कैन ट्राई दिस मेथड. आप चाहो तो हेयर मास्क भी यूज कर सकते हो. आई लाइक टू डू दिस वंस अ वीक. फिर स्कैल्प में मैं रेगुलर शैम्पू यूज करूंगी. नीचे में बिल्कुल भी शैम्पू अप्लाई नहीं करती हूँ बालों की लेंथ में. जो भी रनिंग शैम्पू होता है ना वो बालों की लेंथ को भी अच्छे से क्लींस कर देता है. एंड देन आई गोना वॉश ऑल ऑफ माय हेयर. आई लाइक टू यूज नॉर्मल टेम्परेचर वाटर टू वॉश माय हेयर. फिर माइक्रोफाइबर टॉवल की मदद से आई गोना सोक अप एक्सेस वाटर फ्रॉम माय हेयर एंड देन आई गोइंग टू अप्लाई कंडीशनर ओनली फॉर द लेंथ ऑफ माय हेयर फ्रॉम द ईयर लोब टिल द एंड्स. अच्छे से अप्लाई करने के बाद आई गोना लीव इट ऑन फॉर 2 minutes एंड देन आई गोना रिंस दिस ऑफ. बेसिकली गोना क्लींस ऑल ऑफ माय हेयर. नेक्स्ट आई एम गोना स्क्रब माई बॉडी. आई एम यूजिंग ऑर्गेनिक लूफा. उसमें थोड़ा सा शावर जल लिया उसको लैदर किया और अच्छे से पूरे बॉडी में मसाज करूंगी. दिस इज गोना लूजन अप एनी इनग्रोन हेयर दैट आई हैव. और जब मैं वैक्स करूंगी तो अच्छे से बाल निकल के आएंगे. उसके बाद आई एम गोना यूज दिस हेड रैप ऑन माई हेयर एंड वी आर डन विद द शावर. वैक्सिंग के लिए आई एम यूजिंग वीट वैक्स स्ट्रिप्स. इसको पहले वार्म करना रहता है स्प्लिटिंग इट इन 2 sections और फिर एक सेक्शन अप्लाई करके उससे हल्का सा मसाज करके आई एम गोना रिमूव माय हेयर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ. जब बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे बालों की दिखती नहीं तो मैं खुद ही वैक्स घर पे कर लेती हूँ या फिर आई विल यूज एपिलेटर. बट अगर बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ मुझे दिखता है तो आई लाइक टू गो टू अ प्रोफेशनल टू गेट रिका वैक्स डन. ट्रस्ट मी स्क्रबिंग योर बॉडी बिफोर वैक्सिंग रियली हेल्प्स. और जब आप स्क्रब कर रहे होगे ना तो थोड़ा सा वार्म वाटर यूज करना अपने बॉडी में. आफ्टर वैक्सिंग माई लेग्स एंड हैंड्स I'm going to be using post wax strips. This is going to make sure कि जो भी थोड़ा बहुत residue रहा होगा wax strip का वो remove हो जाएगा. And then I'm going to use some urea deep moisturizing cream to nourish my body क्योंकि dry हो जाते हैं waxing के बाद मेरी body. This also soothes the skin. जो भी redness होता है उसको काम करने में मदद करेगा and it will protect my skin from getting ingrown hair which I usually do but उसको ज्यादा होने से बचाएगा. बाल मेरे 80% सूख चुके हैं. हैव एयर ड्राइड माय हेयर. पोस्ट हेयर केयर के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा सीरम अप्लाई कर रही हूँ ओनली ऑन द लेंथ ऑफ माय हेयर क्योंकि मेरे लेंस काफी ज्यादा फ्रिजी और ड्राई रहते हैं. सीरम रियली हेल्प्स टू मेक माय हेयर फील सॉफ्ट. और अब हम करेंगे फेस का केयर. मैं एक मास्क अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे. उससे पहले आई नीड टू क्लींस माय फेस. आई एम गोना बी यूजिंग अ फेस वॉश व्हिच इज मेंट फॉर एक्ने. एक मिनट तक अच्छे से मसाज करूंगी पूरे फेस पे. आई एम गोना रिंस दैट ऑफ. फिर मैंने एक हॉट टॉवल लिया है आप लोग को दिख रहा है धुआं निकलता हुआ. उसको मैं अपने नोज पे रखू
रखूंगी, काइंड ऑफ लूजनिंग द स्किन अराउंड माई नोज बिकॉज आई बी अप्लाइंग अ नोज स्ट्रिप. नोज स्ट्रिप को चिपकाने के लिए पहले नोज को गीला करना रहता है, तो टावल में से ही पानी निचोड़ निचोड़ के नोज पे अप्लाई कर दिया. सो दिस नोज स्ट्रिप इज मेंट टू रिमूव व्हाइट हेयर्स एंड ब्लैक हेयर्स. आई लाइक टू डू दिस वंस अ मंथ ओनली, जब बहुत एक्सेस में मुझे लगता है कि बम्पीनेस दिख रहा है नोज पे और व्हाइट हेयर्स और ब्लैक हेयर्स दिख रहे हैं. बट इन जनरल आई एम ह्यूज फैन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड सीरम्स फॉर व्हाइट हेयर्स एंड ब्लैक हेयर्स. दैट डेफिनेटली हेल्प्स विद द लॉन्ग रन. फॉर द रेस्ट ऑफ माई फेस आई एम गोना बी यूजिंग अ डेड सी मड मास्क. दिस इज ग्रेट फॉर ओपन पोर्स, एक्ने, डीप क्लींस करता है. इफ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन लाइक आई हैव, यू कैन ट्राई यूजिंग मड मास्क और क्ले मास्क. दे रियली हेल्प टू डीप क्लींस द स्किन. बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यू कैन ट्राई यूजिंग हाइड्रेटिंग मास्क. आई लाइक टू मास्क वंस अ वीक एंड दिस इज अ रियली गुड डिटॉक्सिफाइंग मास्क. आई एम गोना लीव इट ऑन फॉर 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स लेटर हियर वी आर, माई नोज स्ट्रिप इज ऑल ड्राइड अप. इसको रिमूव करने का तरीका ये कि आपको कॉर्नर कॉर्नर से इसको थोड़ा थोड़ा उठाना है एंड देन बीच से पुल करके ऊपर की तरफ उठाना है. आई नो दिस नेक्स्ट सीन इज वेरी ईव, बट मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कितने व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकल के आए हैं. दिस आर बेसिकली सेबेसियस ग्लैंड्स जो वापस आ जाएंगे. बट अगर आपको कम करना है तो सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या कोजिक एसिड भी आप यूज कर सकते हो. स्ट्रिप रिमूव करने के बाद ना नोज एकदम सॉफ्ट हो गया था. इट्स टाइम टू रिमूव द मास्क फ्रॉम माई फेस. तो मैंने अपना माइक्रोफाइबर टाल लिया, ये दूसरा टाल है जो मैंने बाथरूम में यूज किया था, ये वो वाला नहीं है. एंड देन आई एम गोना वेट इट इन कोल्ड वाटर. आप चाहो तो वार्म वाटर भी यूज कर सकते हो, बट आई फील लाइक वार्म वाटर मेक्स माई स्किन मोर सेंसिटिव एंड पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट. ऐसे मैंने ठंडा पानी यूज किया. आई एम गोना यूज सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर टू मॉइस्चराइज माई स्किन. आई लव इंक्लूडिंग सेरेमाइड इंग्रीडियंट इन माई स्किन केयर. स्किन को रिपेयर करता है, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर इन टू योर स्किन. थोड़ा सा लिपबाम अप्लाई कर दिया एंड वी आर डन विद द स्किन केयर. माई स्किन वॉज फीलिंग सो सपल, इट इज लुकिंग सो ग्लोई एंड हेल्दी. इट्स टाइम टू फिनिश द हेयर केयर रूटीन. सो मेरे बाल ना 95% अभी तक ड्राई हो चुके हैं. तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा हीट प्रोटेक्टेंट अपने लेंस पे अप्लाई करूंगी. आई एम गोना कॉम्ब थ्रू माई हेयर एंड देन आई एम गोना यूज माई ब्लो ड्राई ब्रश. मैं सिर्फ नीचे एंड्स को ब्लो ड्राई करूंगी टू मेक देम लुक शाइनी एंड सॉफ्ट. दिस इज समथिंग दैट आई लाइक टू डू व्हेनेवर देयर इज अ शूट डे हैपनिंग घर पे एंड आई वांट कि काफी लंबे समय तक मेरे बाल सिल्की और मैनेजेबल दिखे. यू डोंट रियली हैव टू डू दिस स्टेप, बट कैन यू सी पीछे पीछे से अभी भी मेरे बाल वेवी दिख रहे हैं और कहीं कहीं पे स्मूथ दिख रहे हैं. दिस इज द टेक्सचर ऑफ माई हेयर. आई हैव वेवी हेयर एंड वी आर डन विद दिस पैम्पर रूटीन. आई रियली होप यू गाइज लाइक्ड इट. इट वॉज सो सूदिंग एंड रिलैक्सिंग फॉर मी टू डू दिस फॉर यू. फ्रेंड्स से पहले शेयर कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नहीं किया. So I'm going to see you guys pretty soon with a brand new content on my channel. Bye everyone. Take care.